फिर अगले टॉपिक के रूप में आपको पढ़ना है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण और धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। आप जानते हैं कि धारा मापी ही मूलतः अमीटर भी होता है और मूलतः वोल्ट मीटर भी होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है या धारा मापी में कौन सा एक छोटा सा परिवर्तन कर दें कि वो अमीटर की भांति व्यवहार करे और धारा मापी में क्या छोटा सा परिवर्तन कर दे कि वो वोल्ट मीटर बन जाए, ये आपको जानना है। इसमें इस टॉपिक पर जो है आपको प्रैक्टिकल में भी है मिला हुआ है और थ्योरी के दृष्टिकोण से भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, आप जानते हैं कि अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी परिपथ में धारा को मापने के काम में लाया जाता है। अमीटर से आप क्या काम करते हैं, किसी परिपथ में लगा देंगे धारा मापेंगे। ठीक है, अमीटर को किसी परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या आप बहुत पहले जानते होंगे, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, अमीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि पूरी धारा जब उसके अंदर से होकर जाएगी तो वह पूरी धारा के मान को बता देगा। पूरी धारा की जो वैल्यू है, कितना कितनी धारा बह रही है उस परिपथ में, वो बता देगा। और अगर उसमें धारा नहीं जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक समस्या है कि जब परिपथ में, यहां पर एसी सर्किट डीसी सर्किट की बात हो रही है, घरों के परिपथ की बात नहीं हो रही है, ऐसा सर्किट जिसमें कि कई इंस्ट्रूमेंट लगे हो, धारा नियंत्रक लगा हुआ हो, प्रतिरोध बॉक्स हो, कुंजी हो, ठीक है, और किसी प्रतिरोध किसी इंस्ट्रूमेंट में इसके थ्रू धारा बह रही हो, तो क्या होता है कि वाह्य प्रतिरोध के रूप में सभी जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उनका प्रतिरोध हो जाता है, तो सभी प्रतिरोधों में धारा बहती है। लेकिन जब धारा जो है वह धारा मापी के भीतर जाती है, अमीटर के भीतर जिसको मापता है, तो धारा मापी जो होती है उसमें भी तांबे के तार लगे होते हैं। कल आपने पढ़ा था, संरचना पढ़ा था, चाहे वो किलकित कुंडली धारा मापी हो चाहे वह निलंबित कुंडली धारा मापी हो, दोनों में क्या होता है कि एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है और उसके ऊपर तांबे के तार लपेटे होते हैं। तो जब धारा उस धारा मापी के भीतर जाएगी जो धारा को बताएगा, तो वास्तव में धारा मापी के भीतर जाएगी तो तांबे के तारों में भी धारा जाएगी, तो तांबे के तार जो है वो भी अपना प्रतिरोध लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक धातु का अपना एक प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब वह जब प्रतिरोध लगाएगा तो परिपथ में और जो अवरोध है बाहर से वो तो लग ही रहे थे, और धारा मापी की जो कुंडली है उसका भी अपना प्रतिरोध हो गया, तो कहने का मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ गया। और जब प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा तो परिपथ में धारा का मान, इसका मतलब कम हो गया, तो जो धारा हमको मापना था वह धारा ज्यादा एम्पियर की थी और हम धारा पा रहे हैं कम एम्पियर की, तो ये दोष आ गया। ये दोष आ गया परिपथ में कि जो धारा हम मापना चाह रहे हैं वो धारा नहीं माप पा रहे हैं। क्यों नहीं माप पा रहे हैं, क्योंकि वाह्य परिपथ का जो प्रतिरोध है उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है धारा मापी। धारा मापी की अपनी कुंडली होती है, उस कुंडली में तांबे के तार लपेटे होते हैं, वो भी प्रतिरोध लगाते हैं और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाता है R=R1+R2+R3। इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध है वो ज्यादा हो जाएगा। जब किसी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ गया इसका मतलब धारा का मान कम हो गया। ठीक है, जैसे यहां पर एक सेल है, ये सेल हो गया और यहां पर परिपथ में एक प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है आपका ये R2। दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध को बोलते हैं R1, दूसरा है R2। और इन प्रतिरोधों में जाने वाली जो धारा है, अर्थात सेल से जो निकलने वाली धारा है, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E। सेल से जो निकलने वाली धारा है वो इन प्रतिरोधों में जाएगी, इसी को मापने के लिए कि कितनी धारा इसमें जा रही है, एक हमने लगा दिया है अमीटर।
अब आपने इसको लगा दिया मीटर, तो धारा जो है इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, जो धारा इसमें जाएगी वही उसको बताएगा कितनी धारा मिल रही है। ठीक है, अब ये अमीटर जो आपका है इसकी कुंडली का अपना एक अलग प्रतिरोध है, अमीटर की कुंडली का अपना अलग प्रतिरोध है, तो परिपथ में एक प्रतिरोध यहां था, एक प्रतिरोध यहां था और एक प्रतिरोध यहां भी तो आ गया। इसको हम शो कर सकते हैं आर ए से, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, इसको हम इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जब तांबे के तार अंदर लगे हुए हैं तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो परिपथ में जो तुल्य प्रतिरोध है वो बढ़ गया। कहने का मतलब आप जानते हैं कि किसी सेल से ली जाने वाली धारा को अगर हम आई से शो करें, किसी सेल से ली गई धारा को आई से शो किया जाए, तो आई इक्वल टू होता है ई बटे आर, आर प्लस आर होता है, ये फार्मूला पढ़े होंगे, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है। ई सेल का विद्युत वाहक बल है, आर जो है परिपथ का वाय प्रतिरोध है, स्मॉल आर परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का घोल का जो प्रतिरोध है वो है। तो यहां पर घोल के प्रतिरोध को हमने इग्नोर कर दिया है, यदि रहेगा वो भी तो स्टडी क्रम में वो भी रहेगा, प्रतिरोध के मान को बढ़ा देगा, उसको इग्नोर किया गया, तो वाय प्रतिरोध को लिया गया, तो वाय प्रतिरोध क्या है, आर वन है और आर टू है। अगर वाय प्रतिरोध आर वन और आर टू है और सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा, आई होगा। लेकिन वास्तव में यहां पर हमने श्रेणी क्रम में, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, इसलिए यहां पर श्रेणी क्रम में हमने एक अमीटर लगाया है, तो अमीटर की कुंडली का अपना एक अलग से प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को हमने आर ए से शो किया हुआ है, तो परिपथ का जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा आपका ई अपान आर वन प्लस आर टू, ये दो प्रतिरोध तो ऑलरेडी थे, इसी में एक प्रतिरोध आर ए बढ़ गया, ये प्रतिरोध एक्स्ट्रा हो गया। अब पूरा प्रतिरोध बढ़ गया है, धारा के मान में जाहिर सी बात है कमी आ जाएगी, धारा का नया मान हो जाएगा आई डैश, ये मान हो गया आई डैश। अब ये आई डैश का मान कम है, आई का मान ज्यादा है, अगर हम ये जानना चाहें कि कितना डिफरेंस आ रहा है धारा में कितनी कमी हो जा रही है, तो हो जाएगा आई माइनस आई डैश, घटा दिया आपने, आई माइनस आई डैश बराबर ई अपान आर वन प्लस आर टू माइनस आई डैश की वैल्यू रखेंगे तो ई अपान आर वन प्लस आर टू प्लस आर ए, ये हो जाएगा धारा के मान में डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। तो आई माइनस आई डैश इक्वल टू हो जाएगा ई, यहां से कॉमन ले गया, यहां पर जो है लघुत्तम हो जाएगा आर वन प्लस आर टू एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू प्लस आर ए, ऐसे हो जाएगा। आर वन प्लस आर टू से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, अर्थात आर वन प्लस आर टू प्लस आर ए माइनस आर वन प्लस आर टू प्लस आर ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आर वन प्लस आर टू, यहां से घटाएंगे तो माइनस आर वन माइनस आर टू, इस तरह हो जाएगा। तो आर वन आर टू, आर वन आर टू से कट जाएगा, या आई माइनस आई डैश इक्वल टू हो जाएगा ई, यहां क्या बचेगा आर ए, आर ए अपान आर वन प्लस आर टू यहां हो गया और आर वन प्लस आर टू प्लस आर ए यहां हो गया, देख रहे हैं इसको कितना डिफरेंस आ गया। वास्तविक मान होना चाहिए था आई, लेकिन मान मिला आपको आई डैश क्योंकि कुंडली का प्रतिरोध भी अपना कुछ होता है, घटा दिया हमने तो धारा में इतनी कमी आ गई। अब यह कमी वास्तव में नहीं होनी चाहिए, यह कमी वास्तव में शून्य होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए शून्य, यह कमी वास्तव में शून्य होनी चाहिए, अर्थात कमी होनी ही नहीं चाहिए। यह कमी शून्य कब होगी, जब इस पूरे का मान जीरो होगा, अर्थात ये आई इक्वल टू आई डैश हो जाए और आई इक्वल टू आई डैश होगा इसका मतलब आई माइनस आई डैश का मान जीरो होना चाहिए, ये मान जीरो होगा इसका मतलब इस भिन्न का अंश जीरो होना चाहिए। अगर इतना पूरा मान जीरो आ रहा है तो तिरछा उड़ा करने पर ई इंटू आर ए का मान जीरो होना चाहिए, ई इंटू आर ए का मान जीरो होना चाहिए इसका मतलब या तो ई का मान जीरो हो, ठीक है, या तो ई का मान जीरो हो और या तो आर ए का मान जीरो हो,
ई का मान जीरो हो नहीं सकता क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल है, जब सेल का विद्युत वाहक बल जीरो हो जाएगा तो सेल से धारा नहीं मिल पाएगी, तो ई का मान जीरो नहीं हो सकता, तो किसका मान जीरो होगा, आर ए का मान जीरो हो जाए तो काम हो सकता है। अब आर ए का मान क्या है, आर ए कुंडली का प्रतिरोध है, कुंडली में तार लगे हुए हैं, ठीक है, तो तार का प्रतिरोध शून्य तो हो नहीं सकता, भाई तांबे के तार लपेटेंगे तभी कुंडली बनेगी, और तांबा धातु है तो धातु का प्रतिरोध शून्य हो नहीं सकता, तो इस आर ए का मान शून्य नहीं हो सकता, ई का मान शून्य हो नहीं सकता, तो ई इंटू आर ए का मान भी शून्य नहीं हो पाएगा, इसका मतलब यह डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, ठीक है। अब इस डिफरेंस को अगर हमको इसी धारा मापी को वास्तव में अमीटर बना देना है, अमीटर बनाना है का मतलब धारा को मापे, भाई धारा मापे इसका मतलब सही सही मापे, सही सही मापे मतलब यह डिफरेंस कम से कम हो, तो यह डिफरेंस कम से कम होगा इसके लिए आवश्यक है कि कुंडली का प्रतिरोध भी कम से कम होना चाहिए। कुंडली का प्रतिरोध कम करने के लिए इसके साथ एक उपाय करते हैं कि जो भी कुंडली इसकी है, ठीक है, धारा मापी की जो कुंडली है उस कुंडली के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं जिसको हम कहते हैं संट, उसको बोलते हैं पार्श्ववाही या संट बोलते हैं, एक निम्न प्रतिरोध का तार कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 10 ओम ये कुंडली का प्रतिरोध है और इसके साथ में हमने 2 ओम का एक तार जोड़ दिया, संट जोड़ दिया, जितना ही निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे उतना ही तुल्य प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए जो प्रतिरोध होते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह जो सबसे कम प्रतिरोध होता है उससे भी कम हो जाता है। तो अगर 10 ओम के श्रेणी समांतर क्रम में 2 ओम का तार जोड़ देंगे तो ये 1/2 + 1/10 ये हो जाएगा, 2 × 2 = 10 कर देंगे आप, 10 × 20 हो जाएगा, 20/12 यानी 1.8। तो तुल्य प्रतिरोध जो आपका कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम का था वो यही 2 ओम जोड़ देने के बाद 1.8 ओम आ गया, घट गया। तो हम आगे का मान कम तो नहीं कर सकते हैं, कुंडली का प्रतिरोध हम कम नहीं मतलब शून्य नहीं कर सकते, लेकिन कुंडली के प्रतिरोध को जितना कम से कम आप कर पाए उतना कम से कम कर दीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, कुंडली के प्रतिरोध कुंडली के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जिसको पार्श्ववाही बोलते हैं या संट बोलते हैं उसको जोड़ करके हम इस धारा मापी का रूपांतरण अमीटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो धारा मापी का रूपांतरण अमीटर में कैसे हो सकता है, धारा मापी की कुंडली के श्रेणी समांतर क्रम में, ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में, ठीक है, एक निम्न प्रतिरोध का तार धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए तब क्या होता है, यह जो धारा मापी है वह एक अमीटर की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात धारा के क्रम यह वास्तविक मान को बताना प्रारंभ कर देता है। इसके पहले जो धारा का मान बताता है उस धारा के मान में काफी डिफरेंस रहता है, तो धारा मापी का रूपांतरण इस तरह से आप अमीटर में कर सकते हैं, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। चलिए ये जो है आपका हो गया धारा मापी, इसको जी से हम शो कर रहे हैं, एक छोटा सा बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र निकलेगा यहां से, उसको आपको ध्यान देना है, धारा मापी का रूपांतरण जो है हमको इसमें करना है, धारा मापी का रूपांतरण कर देना है अमीटर में, तो धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध ये हो गया आपका, ठीक है, जी है, इसके साथ में समांतर क्रम में एक पार्श्ववाही या संट जोड़ दिया हमने, संट क्या है, यह निम्न प्रतिरोध का तार है, जब धारा यहां से जाएगी तो पूरी धारा है
अगर यही शंट न होता तो पूरी धारा फिर इसमें से जाती होकर के धारा वापिस जाती, और यहां पर हमने एक जोड़ दिया समांतर क्रम में शंट जोड़ दिया, तो धारा जब जाएगी तो यहां से धारा जाएगी आई जी, उस धारा जो है वो धारा वापिस में जाएगी, और जो बची धारा है अर्थात आई माइनस आई जी, आई जी धारा यहां जाएगी धारा वापिस में, और आई माइनस आई जी धारा जो होगी वह संट से ऊपर जाएगी, आई माइनस आई जी धारा संट से ऊपर जाएगी और आई जी यहां जाएगी, यहां पर दोनों धारा आपस मिल जाएगी, ठीक है, यहां पर दोनों धाराएं आपस में मिल जाएंगी। अच्छा अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां से लेकर यहां तक का जो विभवांतर है, यहां से यहां तक का विभवांतर चाहे इस रास्ते से देखिए आप चाहे इस मार्ग से देखिए, आप जानते हैं समांतर क्रम में क्या होता है कि विभवांतर बराबर रहता है ना, आप दो बिंदुओं के बीच में ही कई प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, तो पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वही रहता है, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वही रहता है, क्योंकि सभी प्रतिरोध दो ही में जुड़े होते हैं, तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अगर इन बिंदुओं को हम नाम दे दें ए और बी, अगर इनको हमने ए और बी नाम दे दिया तो इन्हीं ए और बी बिंदुओं के बीच में ये धारा वापी जुड़ा हुआ है, और इन्हीं ए बी बिंदुओं के बीच में ये संट आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेम रहेगा, अगर हम उनका नियम लगाते v इक्वल टू आई आर तो क्या हो जाएगा, v बराबर एक बार इस रास्ते से निकाल लीजिए विभवांतर, आई की जगह हो जाएगा आई जी गुणे प्रतिरोध की जगह क्या हो जाएगा, कुंडली का प्रतिरोध मान लीजिए कैपिटल जी है, तो आई जी इंटू कैपिटल जी हो गया ये वोल्ट मीटर कीजिएगा विभवांतर ए और बी के बीच का, और अगर इस रास्ते से हम देखते हैं दूसरे वाले रास्ते से तो प्रतिरोध हमारा यस है, धारा कितनी है आई माइनस आई जी, तो विभवांतर वी इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से धारा इस रास्ते में क्या है आई माइनस आई जी है, और प्रतिरोध क्या है यस है, इन दोनों मार्गों से आप देखेंगे तो विभवांतर आपको एक ही मिलना चाहिए, विभवांतर आपको एक ही मिलेगा, दोनों को हम सेम कर देते हैं बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू यस, बराबर कर दिया हमने इसे, अगर आप अब मूल सूत्र आपका यही है, अब इस सूत्र के माध्यम से अगर आप से संट का प्रतिरोध पूछता है तो संट जो लगा है उसका प्रतिरोध निकालना है, एस इक्वल टू हो जाएगा आई जी अपान ये नीचे हो जाएगा आई माइनस आई जी, ये हो गया आपका इंटू कैपिटल जी, इसको हमने ऊपर कर दिया इसको लाके नीचे कर दिया और कैपिटल जी कर दिया, एक सूत्र तो आप इसको बहुत आराम से बुझ कर सकते हैं बता सकते हैं, ठीक है, जब संट का प्रतिरोध पूछेगा तो आप इस सूत्र को आराम से लगा दीजिए, अदरवाइज इसको थोड़ा ओपन कर देंगे जब आप तो आई जी इंटू कैपिटल जी बराबर आई इंटू यस माइनस आई जी इंटू यस, ऐसे ओपन कर देंगे आप आई जी इंटू कैपिटल जी हो गया बराबर आई इंटू यस माइनस आई जी इंटू यस, पक्षांतर कर लीजिए इसको तो हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस इधर आएगा तो आई जी इंटू कैपिटल यस बराबर आई इंटू यस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, आई जी यहां से कॉमन ले लीजिए आ जाएगा जी प्लस यस बराबर आई इंटू यस हो गया, या आई जी की वैल्यू हो जाएगी आई जी बराबर कैपिटल यस बटे जी प्लस एस इंटू आई, जब पूछा जाएगा कि धारा मापी में जाने वाली धारा अब कितनी होगी तो आप इस सूत्र से बता सकते हैं आई जी इक्वल टू यस बटे जी प्लस एस इंटू आई, तो कोई भी सूत्र लगाएंगे इसमें चाहे जो सूत्र लगाएंगे उसी का पूरा भाग बनाया गया है, मूल सूत्र आपका यही है कि विभवांतर जो है वह दोनों बिंदुओं के बीच का वो एक समान होगा, v इक्वल टू आई आर का जो फार्मूला है वो लगा देंगे आप तो आई जी टू कैपिटल जी ये विभवांतर एक रास्ते का हो गया
और I माइनस आई जी टू यस विभवांतर दूसरे रास्ते का हो गया। तो इस दोनों रास्तों के माध्यम से आप क्या करेंगे कि विभवांतर आप निकाल लेंगे और बराबर कर देंगे तो ये सूत्र आपको मिल जाएगा। बहुत बेसिक फार्मूला है और ये मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल जो है इस पर मिलेगा आपको, जान लीजिए न्यूमेरिकल आपको इस पर मिलेगा। ठीक है, संट का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, ध्यान दीजिएगा, संट का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। क्या काम है इसका? संट के माध्यम से किसी धारा मापी या अमीटर, ठीक है, की दक्षता यानी अमीटर के द्वारा धारा बताने की क्षमता बढ़ाई जाती है, मतलब उसकी परास बढ़ाई जाती है, धारा मापी की परास बढ़ाई जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर एग्जाम्पल समझिए, धारा मापी जो है वो एम्पियर में भी होता है, अंकित होता है, और अगर छोटा धारा मापी है मतलब कम मान का है तो मिली एम्पियर में भी होता है, यहां तक कि माइक्रो एम्पियर में भी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां है जीरो, यहां है 30 लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, बीच में ऐसे निशान बना हुआ है, देख रहे हैं, यहां जीरो लिखा है, यहां 30 लिखा है। अब हमारा संकेतक जो है यहां पर रहेगा और जब धारा बढ़ेगी तो यहां पर घूम के जाएगा, जैसे 30 मिली एम्पियर मान लीजिए है, 30 मिली एम्पियर, तो जब इस परिपथ में 30 मिली एम्पियर धारा जाएगी, अभी संट नहीं लगा हुआ है, 30 मिली एम्पियर धारा जाएगी तो यह संकेतक घूम करके यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, आप देख के बता देंगे 30 मिली एम्पियर धारा बह रही है। ठीक है, और जब संट लग गया, ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका परास बढ़ाना है, हम चाह रहे हैं इतनी दूरी पे हमको 30 मिली एम्पियर नहीं बल्कि हमको यहां पर 60 मिली एम्पियर बताए या 150 मिली एम्पियर धारा किसी बता दें, तो क्या करेंगे, जब हमने संट लगा दिया यहां पे, तो संट में क्या है, जब ये संट नहीं था तो पूरी धारा यही जाएगी, 30 मिली एम्पियर धारा जा रही है वो यही जाएगी, और अब हमने इसको संट लगा दिया तो कुछ धारा यहां जाएगी और कुछ यहां जाएगी। ठीक है, संट का जो प्रतिरोध है जितना ही निम्न रहेगा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, संट का प्रतिरोध जितना निम्न रहेगा उतनी ही ज्यादा धारा संट से जाएगी होकर के, प्रतिरोध ऊंचा कर दोगे जहां ज्यादा प्रतिरोध रहेगा धारा वहां नहीं जाएगी, जहां कम प्रतिरोध रहेगा धारा वहीं जाएगी। ठीक है, जहां अधिक प्रतिरोध है धारा वहां से नहीं जाएगी, तो यहां पर जब निम्न प्रतिरोध आपने लगा दिया है तो ज्यादा धारा यहीं से जाएगी, तो 30 मिली एम्पियर में 25 मिली एम्पियर धारा इधर से जाएगी और 5 मिली एम्पियर यहां जाएगी, संट जो होगा वो इस धारा मापी के प्रतिरोध का 1/10, 1/5, 1/20 ऐसे ही होता है। तो मान लीजिए यहां पर 1/ जो 30 मिली एम्पियर था उसमें 5 मिली एम्पियर इधर जाएगा और 25 यहां जाएगा, इतनी बात क्लियर हो गई, पहले तो 30 पूरा इधर जा रहा था, 30 मिली एम्पियर के संकेतक यहां घूम बना रहा, 30 मिली एम्पियर धारा जा रही है, अब हमको परास बढ़ानी इसकी है, तो 5 मिली एम्पियर जो है यहां से जाएगा और 30 मिली एम्पियर 25 मिली एम्पियर यहां जाएगा, लेकिन अब 5 मिली एम्पियर जब यहां से जाएगा तो 5 ही तो बताएगा, ये 5 ही बताएगा, तो संकेतक हमारा जो है वो यही पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, यही रुक जाएगा, अब 30 नहीं बताएगा क्योंकि 5 ही जा रहा है, बाकी 25 तो यहां निकल जा रहा है, लेकिन जब यहां बताया है वो यही पर जाएगा, तो यही पर आप लिख दिए 30 मिली एम्पियर, यहां 30 लिख दिया हमने, तो 30 जो लिखा है वही पढ़ोगे, 30 लिख दिया आपने यहां पे, यहां 60 लिख दिया, यहां 90 लिख दिया, यहां 120 लिख दिया, यहां 150 लिख दिया, जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, तो इतनी ही दूरी में हम अब 150 मिली एम्पियर पढ़ रहे हैं, जो इसकी क्षमता 30 मिली एम्पियर की थी अब वो 150 मिली एम्पियर की हो गई। तो संट के माध्यम से क्या होता है कि परास को बढ़ाया जाता है, संट के माध्यम से किसी भी अमीटर के परास को बढ़ाया जाता है। ठीक है, संट जब किसी परिपथ में जोड़ देंगे हम किसी कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जितना ही निम्न प्रतिरोध का तार रहेगा उतना ही ज्यादा धारा को लेगा और यह उतना ही इस धारा मापी का जो प्रतिरोध है
के अनुपात में खंड का जो प्रतिरोध जितना कम से कम रहेगा उतना ही सही धारा को ये बताएगा। ठीक है, तो धारा मापी के द्वारा किसी वांछित परिसर का अमीटर हम प्राप्त कर सकते हैं या अमीटर की परास को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, धारा मापी की कुंडली के प्रतिरोध के तुलना में जो संट है उसका प्रतिरोध बहुत निम्न होना चाहिए। संट को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। संट से जाने वाली धारा, संट का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध और कुंडली की धारा का जो सूत्र है वो ये दो सूत्र है। इन दोनों सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये दोनों सूत्र आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप नोट करिए। एक क्वेश्चन जो है इस पे आप नोट करिए, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, अर्थात कैपिटल जी का मान क्या है? 15 ओम। गैल्वेनोमीटर की कुंडली है अर्थात वही जो धारा मापी है उसका, उसकी कुंडली का प्रतिरोध है 15 ओम। 4 मिली एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दिखाता है। मतलब अगर 4 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाए, 4 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाए तो ये क्या करता है कि पूरा विक्षेप दिखाता है। ये पूर्ण विक्षेप दिखाता है मतलब इसकी सुई जो है शुरू से लेकर अंतिम तक घूम जाती है। अधिकतम ये बता पाएगा तो 4 मिली एम्पीयर विक्षेप बता पाएगा बस। जैसे यहां हमने एग्जांपल लिया था तो बताया था 30 मिली एम्पीयर बता सकता है, उसको हमने कन्वर्ट करके बता दिया था आगे 150 में। ठीक है, अब इसके बाद बताना है आप इसे, इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पीयर वाले परास में, 0 से 6 एम्पीयर वाले परास के वोल्टमीटर, परास के अमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे? 0 से 6 एम्पीयर परास वाले, ठीक है, 0 से 6 एम्पीयर परास वाले अमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे? ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं बताया आपको, ध्यान दीजिए इधर। यहां पे आपको बताया हमने कि जब ये पूर्ण स्केल विक्षेप को दिखा रहा है, ठीक है, तो 4 मिली एम्पीयर ये बता रहा है और इसको हमको बनाना है ज्यादा परास में। ये जो 4 हमारा है ये बता दे बाद में 6 एम्पीयर, ये 4 मिली एम्पीयर है बताए 6 एम्पीयर। ठीक है, तो उसके लिए आपको संट जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ 4 ही एम्पीयर क्षमता इसकी है, बाकी धारा कहां जाएगी? बाकी संट से हो जाएगी। कुंडली में खाली 4 एम्पीयर जाएगी और बाकी धारा कहां जाएगी? संट से होकर जाएगी। ठीक है, तो इस अमीटर के समांतर क्रम में हमको एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ना पड़ेगा, इसको हम संट बोलते हैं। अब उस संट का प्रतिरोध कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। फार्मूला आपको यहां लिखा गया देखिए पहले से ही। इस फार्मूले में आईजी का मतलब धारा मापी जो वास्तव में धारा माप सकता है, वो धारा जो उसके अंदर से जाएगी, तो 4 ही मिली एम्पीयर माप सकता है बस। अब हमको बनाना किसमें है? 6 में टोटल धारा कितनी है? 6 मिली एम्पीयर। उस 6 मिली एम्पीयर में 4 मिली एम्पीयर ये धारा हो गई, बाकी धारा संट से होकर जाएगी, नीचे से जाएगी। तो आईजी की वैल्यू हो जाएगी 4 मिली एम्पीयर या 4×10⁻³ मिली एम्पीयर। 4 मिली एम्पीयर को हमने एम्पीयर बना लिया, 4×10⁻³ इक्वल टू इधर क्या है? कैपिटल एस संट का प्रतिरोध है, निकालना है, बटे नीचे जी। कैपिटल जी का मतलब क्या है? धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, तो 15 हो गया। प्लस यस क्या है? संट का प्रतिरोध है, इनटू संपूर्ण धारा का मान यहां पे 6 मिली एम्पीयर।
6 एम्पीयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस बटे 15 प्लस एस बराबर हो जाएगा, इसको नीचे करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, इसको हम 2/3 कर दे रहे हैं और 10^-3 आपका यहां रहेगा ही, 10^-3 को हम नीचे कर देंगे 10^+3 हो जाएगा, तो यस बटे 15 प्लस यस बराबर 2/3000 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, ये 10^3 नीचे आएगा तो 3000 हो गया, इसको हम 1/1500 भी कर सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो 1500 × 1500 बराबर हो जाएगा 15 + 1 अर्थात यस प्लस 15 हो गया, पक्षांतर करेंगे तो 1500 × s ये घटाएंगे तो 1499 हो जाएगा, s बराबर 15, s की वैल्यू हो जाएगी 15/1499, 15/1499 ये हो जाएगा, ठीक है। इतने प्रतिरोध का जो शंट है वो जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा, क्या हुआ?